उन तमाम कार्यक्रमों को रोक करके सारे लोगों की उपस्थिति यहाँ 100% हो, इसकी कोई जरूरत नहीं। वैसा कार्यक्रम नहीं आज, कोई मीटिंग नहीं। आज उनका आगमन है, आगमन में जो लोग यहाँ है लोग रहेंगे, बाकी कोई नहीं भी है, तो इस पर बाकी इस तरह की एक्टिविटी जो बिहार में पॉलिटिकल पार्टी की ओर से चल रही है, ये सब तो रूटीन वर्क है, तो इस दृष्टि से भी खास है ही। बाकी इस तरह की एक्टिविटी जो बिहार में पॉलिटिकल पार्टी की ओर से चल रही है, ये सब तो रूटीन वर्क है, इसमें कुछ खास जैसा नहीं, रूटीन वर्क है। तो आपकी आज से चौथे चरण की यात्रा जो है जहानाबाद, गया, अरवल, औरंगाबाद की होने वाली है, इस यात्रा में खास क्या है? नहीं देखिए, इस यात्रा में क्योंकि हमने पूरे बिहार की यात्रा का कार्यक्रम बनाया है और पार्टी की ओर के निर्देश पर यह कार्यक्रम बनाया, और हम पहले लगभग 1 से 1.5 दर्जन दिनों में हो करा है, उसी क्रम में अभी इस चरण की यात्रा है जिसमें 4 जिला में हम अभी फिलहाल जाएंगे। वहाँ जाकर लोगों से मिलना, खास करके समाज में जो सबसे नीचे का व्यक्ति है अंतिम पंक्ति में, उससे मुलाकात करना, उससे फीडबैक सरकार के कार्यों के बारे में लेना, पार्टी में जो साथी हैं अलग अलग प्रकोष्ठ के जो नेता हैं कार्यकर्ता हैं, उन सभी लोगों से मुलाकात करना, तो यह हमारा पहले से चल रहा है और इस कार्यक्रम में अभी के चरण में भी यही कार्यक्रम। एक चीज कहना है कि देखा जाए तो आपका जो औरंगाबाद और अरवल का दौरा था ये काफी पहले था, लेकिन जेडीयू में मीटिंग हुई, आपके उस दौरे को आपको रोकना पड़ा, उस मीटिंग में आप शामिल हो, लेकिन अब आरसीपी सिंह आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन आप जा रहे हैं, ये क्या चल रहा है सर? पार्टी के तो हमको लगता है कि अब ठीक से आंकड़ा मुझको नहीं मालूम, लेकिन 25 लाख 50 लाख सदस्य हूँ, तो 50 लाख सदस्य आज इस कार्यक्रम में शामिल हो, इसकी कोई आवश्यकता है क्या? कोई मीटिंग तो है नहीं पार्टी की जिसमें अनिवार्य रूप से किसी को रहने की जरूरत है, एक काम है पार्टी का निश्चित रूप से, पहली बार मंत्री बने हैं आरसीपी सिंह जी आ रहे हैं बिहार में, तो उनके स्वागत का एक काम है, एक कार्यक्रम जैसा है, तो उसमें लोग भाग ले रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति भाग ले इसकी कोई आवश्यकता नहीं, और कार्यक्रम मेरा पहले से लगा हुआ भी है, उन तमाम कार्यक्रमों को रोक करके सारे लोगों की उपस्थिति यहाँ 100% हो, इसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन इससे पहले भी आपका कार्यक्रम लगा हुआ था, आपने कार्यक्रम को स्थगित कर दिया था, आप जेडीयू के मीटिंग में शामिल हुए थे, इसलिए हमने कहा कि कोई मीटिंग नहीं है ना, जेडीयू की कोई मीटिंग हो जिस मीटिंग में मेरी उपस्थिति की अनिवार्यता हो, वैसा कोई कार्यक्रम हो तो आदमी दूसरा कार्यक्रम को स्थगित भी करता है, पोस्टपोन करता है, वैसा कार्यक्रम नहीं आज, कोई मीटिंग नहीं। आज उनका आगमन है, आगमन में जो लोग यहाँ हैं लोग रहेंगे, बाकी कोई नहीं भी है, तो इस पर कोई बहुत गौर करने की जरूरत है।